हेलो लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एजुकेशन कैंप। एबे हमें डिस्कशन करबा नवम श्रेणी रो इंटरनल असेसमेंट टू जो पिला माने तुम मानकर चली छि तार हमें कोन करबा ना इंग्लिश रो गोटे प्रैक्टिस सेट टी पिला माने आलोचना करबा। तो पूर्वर तुम मानकर मु गोटे प्रैक्टिस सेट आलोचना करथिले, एठी हमें आहुरी गोटे इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही छि। याको भलो भाबर पिला माने प्रैक्टिस करिके जिवो निश्चित भाबर एठु एग्जाम रे निश्चित भाबर सियोर भाबर तुम मानकर एठु किछि ना किछि क्वेश्चन आसीब। बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रश्न ये रही है पिला माने ये प्रैक्टिस सेट रे, तो समस्त पिला माने भल भाव या प्रैक्टिस करके जीवो। तो वीडियो रे जो आमर जो पिला माने एपर्यंत लाइक करनो गोटे लाइक कर दियो, एवं जो पिला माने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करनो सब्सक्राइब कर दियो पिला माने, एवं निज निज सांग मानको वीडियो टी निश्चित भाव में शेयर कर दियो, जहाद्वारा कि मुझे जितेबले भी तुम मानक नुआ नुआ एवं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वीडियो गुड़िक सब नहीं आसवि तार नोटिफिकेशन तुम मैंने सर्वप्रथमें पाइपर। तो डेरी करवानी आरंभ करवा, देखा आमर कौन सब क्वेश्चन रही सब क्वेश्चन आम आंसर गुड़िकसकसन करवा। एवं जो पिला माने मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे ना, टेलीग्राम रो लिंक मो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दैछि, समस्त सेइठु जॉइन हे जिवो। नचे तुम मैंने टेलीग्राम को जाकि सर्च बारे सर्च कर पारा मो चैनल रो नाम मैथ एजुकेशन कैंप, से आम चैनल रो नाम पल आस तुम्हें से जॉइन हो पार। तो डेरी करवानी आरंभ करवा, देखा आमर कौन सब क्वेश्चन रही। देख पे ये हूँ पीरियडिक टेस्ट यूनिट 1 प्रश्न देला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड और फ्रेज और ए सेंटेंस। तो प्रथम प्रश्न देला व्हेन वाज जानकी स्ट्रक बाय पोलियो, तो यार आंसर कौन हो जिवो ना 1987 हैला 1987। नेक्स्ट देखो सेकंड प्रश्न देला व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन फॉर ऑफ द इंग्लिश चैनल स्विमिंग अथॉरिटी फॉर ए स्विमर टू स्विम इन द इंग्लिश चैनल। तो यार कौन थी सेकेंड कंडीशन टा ना द स्विमर सुड बी एबुल द स्विमर स्विमर सुड बी एबुल टू डू माराथन swimming that is he tapar likhibo he or she should be able to swim in a high sea हाई सी फॉर लॉन्ग आवर एट ए स्ट्रेच एमती लिखिपर भी है फॉर लॉन्ग आवर्स एट ए स्ट्रेच है माउथटा कि समस्त लिखनी द स्विमर सुड बी एबल टू डू माराथन स्विमिंग द स्विमर सुड बी एबल टू डू माराथन स्विमिंग दैट इज ही और सी सुड बी दैट इज ही और सी सुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी फॉर लॉन्ग आवर्स एट ए स्ट्रेच बुझेगा। तापर नेक्स्ट जीवा थर्ड आई प्रश्न देला एन आई एस राइट इट्स फुल फॉर्म, तो एन आई एस फुल फॉर्म कौन कह लिखापी तो यार आंसर कौन हम ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बुझीगला। तापर नेक्स्ट है देख थर्ड गला आई भी प्रश्न ना व्हाट वाज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओवरकमिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, तो यार आंसर कौन हम ना सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट है भी प्रश्न हु वाज स्टिल स्ट्रीटर, तो यार राइट आंसर हम फेमस चैनल कोच। तापर नेक्स्ट देख ये थिला यूनिट 1, नेक्स्ट देखा यूनिट 2 प्रश्न दला प्रथम प्रश्न व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग ओवेशन, तो स्टैंडिंग ओवेशन माने कौन ना एक्सप्रेशन ऑफ
एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर अप्रिशिएशन बुझी गला। तापर नेक्स्ट देखिबा सेकंड एरा प्रश्न देखो तो प्रश्न दला हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नाइन गोल्ड मेडल लो पोएट किए ना डेविड रॉथ बुझी गला। तापर नेक्स्ट देखो थर्ड एरा प्रश्न दला व्हाट हैड द एथलीट्स डन बिफोर कमिंग टू पार्टिसिपेट इन द एथलेटिक इवेंट तो यार राइट आंसर कौन हम ना मेनी वीक्स एंड मंथ बुझी गला। आई भी प्रश्न दला हाउ मेनी एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट केते जन पार्टिसिपेट करथुले इवेंट रे एथलीट्स केते जन एथलीट्स तो एटा आंसर हबो 9 एथलीट्स हैला। तापर नेक्स्ट ला भीर प्रश्न व्हाट इज द पोएम 9 गोल्ड मेडल अबाउट तो यार आंसर कोन हबो ना स्पेशियली एबल पीपल एंड ह्यूमैनिटी बुझी गला स्पेशियली एबल पीपल एंड ह्यूमैनिटी बुझी गला। तापर नेक्स्ट जीवा ये थिला सेकंड आई थर्ड आई हमरो यूनिट 3 देखिबा यूनिट 3 रा प्रश्न दला ना व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड तो यार आंसर कोन हबो ना ही वाज फैसिनेटेड बाय द टॉय ही वाज फैसिनेटेड बाय द टॉय। तापर नेक्स्ट देखो सेकंड एरे दला व्हाट वेयर द चाइल्ड्स फादर एंड मदर लाइक तो यार आंसर कोन हबो ना हिज फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट his father was very strict and mother was tender and caring बुझी गला। तापर नेक्स्ट देखो थर्ड आई रा प्रश्न दला व्हाट वाज इट दैट अटैच्ड द चाइल्ड मोस्ट तो यार आंसर कोन हबो ना बर्फी सोल्ड बाय द स्वीट मेट। नेक्स्ट वाला आई भी प्रश्न हु लिफ्टेड द चाइल्ड अप इन द फेयर तो यार आंसर कौन हबो ना यार आंसर हिजिब ए मैन। नेक्स्ट वाला भी प्रश्न ना मम्मर व्हाट डज इट मीन तो मम्मर अर्थ कौन तो यार अर्थ होची टू यार आंसर लिखिब टू से समथिंग इन ए टू से समथिंग इन ए सॉफ्ट क्वाइट वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू हियर एंड अंडरस्टैंड बुझी गला। तापर नेक्स्ट देखिबा ये गला हमरो भीर प्रश्न था यूनिट 3 रो नेक्स्ट देखिबा यूनिट 4 रो फर्स्ट प्रश्न प्रश्न दला प्रथम प्रश्न द लेड वाज डायरेक्टेड तो कहले कि एटा तुम्हें जहा देई निर्देश से अनुसार में करबा तो प्रथम प्रश्न दला राम इज ए टीचर
कहले कि राइट वेदर द अंडरलाइंड वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से कहले कि इजटा हमर गोटे हेल्पिंग वर्ब ना मेन वर्ब तो इजटा होची हमर गोटे हेल्पिंग वर्ब कोन लिखिबा आंसर हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट होला सेकंड एरा प्रश्न डैश यू थिंक ही विल देछ कोन डैश यू थिंक ही विल टेलीफोन तो ये देला कि आर हाव और डू तले यार आंसर कौन हम ना ये आंसर हम डू डू यू थिंक ही विल टेलीफोन तापर नेक्स्ट होगा थर्ड एर प्रश्न ना हाउ टीचर सॉरी आवर टीचर हाज गिवन अस परमिशन टू गो ऑन ए पिकनिक कहले कि मेंशन द टेंस एंड टाइम तो यही जो वाक्यटा देला ये वाक्यर आम टेन्स मेनसन करवा आउ टाइम मेंशन करिया पई कहिछि तो जदि तुम माने टेंस देखिबो टेंस होउछि एठी हमर प्रेजेंट टेंस आउ जदि टाइम देखिबो तले टाइम एटा हमर बुझौछि फ्यूचर टाइम को बुझियाला तापर नेक्स्ट देखिबा हमर थर्ड आइ गला भीर प्रश्न सॉरी आइ भीर प्रश्न प्रश्न देला ही ऑलवेज डैश देछि लॉस देछि His keys कहला कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट तो जो ब्रैकेट रे दिया है लॉस लॉस टाको हमें करेक्ट फॉर्म रे व्यवहार करिबा तो ये कौन हम ही ऑलवेज लशिंग हिज किज तो ये कौन हम लशिंग नेक्स्ट देखिबा भीर प्रश्न देला एसेंशियल यूज ए सुइटेबल प्रीफिक्स तो ये आम गोटे एसेंशियल गोटे प्रीफिक्सटे जो करवा एसेंशियल आम जब प्रीफिक्स जो करवा कौन हम ना इन एसेंशियल इन एसेंशियल बुझीगला तापर नेक्स्ट देखा आमर कौन ये आमर पीरियडिक टेस्ट यूनिट 1-4 पर्यंत नेक्स्ट देखा आम मल्टीपल असेसमेंट यूनिट 1-4 पर्यंत जो पे एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करना कर दि पे समस्ते सब्सक्राइब कले ही मते मोटिवेशन मिले और तुम मानक आगू एमती सब हेल्प करी और तुम मानी सब एमती क्वेश्चन पेपर सब नहीं आसबि समस्ते बास भल भाव प्राक्टिस करनी पे समस्ते निजे देखा सहित निज निज सांग भिडटे सेयार कर दि तो देखा आम मल्टीपल असेसमेंट यूनिट 1 तो यूनिट 1 प्रश्न देला व्हेन इज दि रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व्ड तो यार आंसर कौन हम ना एव्री ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एव्री ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी बुझीगला नेक्स्ट देख आमर देला सेकेंड आई रे व्वेन डीड जानकी एंड हर पेरेंट्स लिव फॉर इंग्लैंड तो यार आंसर कौन हम 1992 नेक्स्ट है थर्ड आई रे व्हाट वाज दी चैनल वाटर लाइक तो चैनल वाटर लाइक इज लाइक कौन सल्टी यार आंसर कौन हम सल्टी नेक्स्ट होगा आई भीर प्रश्न व्हेन डिड जानकी गेट दि आइडिया ऑफ स्विमिंग स्विमिंग दि इंग्लिश चैनल तो यार आंसर कौन हम ना 1987 बुझीगला 1987 नेक्स्ट देखिए आमर कौन ना ये गला यूनिट 4 सॉरी 1-4 प्रश्न 5 प्रश्न देख भीर प्रश्न व्हाट डज डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग मीन तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग अर्थ कौन यार आंसर लिखिबो कौन ना एनी एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब्ड ड्राइविंग बुझीगला तो ये आमर कौन ना यूनिट 1 प्रश्न नेक्स्ट देखिबा यूनिट 2 प्रश्न यूनिट 2 प्रथम प्रश्न देला व्हाट डिड दि स्पेक्टर्स डू अराउंड दि ओल्ड फील्ड तो यार आंसर कौन हम गैदर्ड नेक्स्ट होगा व्हाट ओ यार ऑल लाइंड अप तो यार आंसर कौन हम ऑल दि ब्लॉक्स ओ यार ऑल दि एमती लिख ऑल दि ब्लॉक्स ओ यार ऑल लाइंड अप बुझीला ना एमती लिखिप कि ब्लॉक्स ओ यार ऑल लाइंड अप बुझीला ये लिखले भी आंसर ठीक हम आंसर टा हो ब्लॉक्स बुझीपाल तो नेक्स्ट होगा व्हाट डिड दि रेस एंड विथ तो यार आंसर कौन हम ना
ऑल द एथलीट्स विनिंग ऑल द एथलीट्स विनिंग द रेस विथ द रेस विथ गोल्ड मेडल्स गोल्ड मेडल्स बुझीगला। नेक्स्ट देख आईबीरा प्रश्न दला हु डज ही स्टैंड फॉर इन द फिफ्थ स्टांजा इन द पोएम नाइन गोल्ड मेडल। तो ये जो नाइन गोल्ड मेडल जो हिटा अच्छी तो से जो हिटा किए तो हि हूँ ये आमर यंगेस्ट कह लग यंगेस्ट। नेक्स्ट है आमर भीर प्रश्न व्हाई वाज द पिस्तल एक्सप्लोडेड। तो यार आंसर कौन हम टू सिग्नल स्टार्ट द गेम टू सिग्नल स्टार्ट द गेम बुझीगला। तापर नेक्स्ट देखा कौन तापर नेक्स्ट देख यूनिट टू गला यूनिट थ्री रा प्रश्न हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू द मैन्स ऑफरिंग। तो यार आंसर कौन हम यूनिट थ्री रा ना रिफ्रेन रिफ्रेन। नेक्स्ट है सेकेंड ए व्हाट डिड द मैन वांट टू नो नो फ्रॉम द चाइल्ड। तो यार आंसर कौन हम टू मीट फादर एंड मदर टू मीट फादर एंड मदर। नेक्स्ट है थर्ड ए कहला कि जे डैश एस टी डैश ई फिल द गैप। तो ये कौन हम प्रथमटार हम ओ जे ओ एस टी तापर एल ई सेकेंडटार हम एल बुझीगला। तापर नेक्स्ट देख आई भी प्रश्न प्रश्न देला हु डिड द चाइल्ड सी इन द फेयर। तो यार आंसर कौन हम ना ए मैन ए मैन। नेक्स्ट है व्हाट डिड द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर हम टॉयज टॉयज। नेक्स्ट देख यूनिट फोर र प्रश्न प्रश्न देला मैच दि वार्ड अंडर ए विथ देयर मीनिंग अंडर बी। तो ए टू बी को कहला कि मैच करके लिखापी। तो प्रथम देला ह्यूमानिटी ह्यूमानिटी आमर कौन हम ह्यूमानिटी आमर ऑप्शन आमर हो पीपल इन जनरल। नेक्स्ट है सेकेंड आई कूलिंग कूलींगटा कौटा हम ना टू पुट ए लॉट ऑफ समथिंग इन ए पाइल ऑन समथिंग। नेक्स्ट है प्लीड तो प्लीड कौन हो प्लीड हम ऑप्शन आमर ए विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एंड अटेंशन। नेक्स्ट है हिप हिप होमर कौन टू आस्क फॉर समथिंग इन ए स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे। नेक्स्ट है इंटेंसली तो इंटेंसली कौन होमर डी सॉफ्ट लो साउंड ऑफ डोप्स बुझीगला। एतिक कौन इंग्लीश समस्त क्वेश्चन आम पीरियडिक टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट क्वेश्चन। जदि भिडटे भल लगे निश्चित भाव में भिडियो गोटे लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करन थिले सब्सक्राइब करदे पाने निज निज सांग भिडटे निश्चित भाव में सेयार कर जहाद्वे कि सब क्वेश्चन आंसर गुड़िकपर प्राक्ट करके जापर। थैंक यू फर व्वाचिंग एवं नेक्स्ट भिडियो आम बहुत जल्दी आसो पाने सामाजिक विज्ञान जमा भी ओरीड हुए आमर नेक्स्ट आमर मध्य आसीजिव समस्त इंग्लिश भल भाव प्रैक्टिस करनियो। थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।